तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो सवाल है वो कितनी बार आया हुआ है, बार बार ऐसा पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल जनरली कर लेना तुम। टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखना प्लेनो है कन्वेक्स है, हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब दो है प्लेनो है कन्वेक्स है, ऑन ईच हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, प्लेस विद देयर कन्वेक्स सरफेस कॉन्टैक्ट विच इधर। कन्वेक्स मतलब होता है समझ रहे ना, कन्वेक्स मतलब कर्व वाला सरफेस। द इंटरवेनिंग, उनके बीच जो मीडियम बचा था, खाली जगह था, उसमें ऑयल रख दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। द लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर हमें निकालना है तो देखो, अगर यहाँ से तुम देखोगे तो जो प्लेनो प्लेनो कन्वेक्स क्या होता है, ये जो चीज़ होता है वो कन्वेक्स होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा यहाँ से काट देता हूँ लेंस को, तो जो लेंस बनता है वो प्लेनो होता है। एक साइड ये स्ट्रेट लाइन और ये, इसको नाम है प्लेनो, ठीक है ना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये वाला। तो उसके कर्व सरफेस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ऐसे रखे गए होंगे, ये सीधी लाइन है और इस सीधी लाइन पे एक लेंस सीधा वाला मैंने ऐसे रखा, ऐसे, फिर मैंने दूसरा वाला जो लेंस था उसको मैंने इसके कर्व वाले सरफेस को टच करके ऐसे रखा, ठीक ना, और फिर मैंने सीधी लाइन ऐसे जो है जॉइन, और इनके बीच का जो स्पेस बचा था, ये वाला जो स्पेस बचा था वो मैंने किसी फ्लूइड से फिल कर दिए, ठीक ना। आई फिल्ड द फ्लूइड, यहाँ इनके बीच में हमने एक फ्लूइड रख दिया, ऑयल रख दिया। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे तीन लेंस कॉम्बिनेशन, ये जो लेंस है वो लेंस L1, और यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस बना है वो लेंस L2, और ये जो है वो L3, ठीक ना। तो इनको अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो तीन लेंसेज से बना है। एक है अपना प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लस इनके बीच में जो ये है वो कॉनकेव लेंस हो गया, और प्लस ये दूसरा वाला अपना प्लेनो कुछ ऐसा, ये तीसरा वाला, तीन लेंस के कॉम्बिनेशन से सिस्टम बना है। तो मैं अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक यहाँ पे सिंगल लेंस मिलेगा। वी डोंट नो अबाउट नेचर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंथ, तो इसका जो फोकल लेंथ एफ है वही मुझे कैलकुलेशन में करना है। बात समझ में आए, तीन को जोड़ोगे तो यार एक मिलेगा ना यार। तो इसका जो फोकल लेंथ है उसका नाम F1 देता हूँ, इनका F2 देता हूँ, इसको F3 देता हूँ। तो आई होप कि आपको फार्मूला याद है। ये जो लेंस मिला, दिस लेंस नया कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ F1/F1 +1/F2 +1/F3, मतलब इसी फार्मूले में हमें वैल्यू रख देना निकाल के, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले एक एक का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। तो लाइट रे मैं किधर से, इधर से डाल रहा हूँ। लाइट रे अगर मैं इधर से डाल रहा हूँ तो याद रखो कि रे के अपोजिट जाओगे तो डिस्टेंस निगेटिव होगा, और रे को फॉलो करोगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाली पहली वाली लेंस है, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फर्स्ट होगी, और ये इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी होगी, और ये वाली जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये देखोगे तो ये R2 होगी, जो कि ये सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बराबर है, तो ये R होगी, और ये निगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर, ठीक ना, क्योंकि इसका सेंटर इधर कहीं होगा। तो अब 1/F1 मिरर लेंस फार्मूला से म्यू म्यू कितना था, 1.5, और -1 यहाँ से -1/R1, सॉरी 1/R1 इन्फिनिटी, -1 यहाँ से माइनस माइनस, +1/20 फार्मूला लगा दिए। तो यहाँ से तुम्हें 1/F1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 0.5, और मल्टीप्लाइड बाई 1/ यहाँ से 20, तो यहाँ से 0.5 और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ से 1/20, तो ये पॉइंट इस पे ख़त्म हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/40 यहाँ से मिल जाएगा। तो 1/40, 1/F1 की जो वैल्यू 1/40 आ गई, ठीक है। अगर 1/40 इसकी वैल्यू है तो 1/F3 की वैल्यू भी 1/40 ही होगी, क्योंकि
क्योंकि दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक ना, चाहे आप किधर से भी डाल दो, ठीक ना, रे रे, तो ये वाली जो चीज़ है वो, तो F3, तो F2 कैलकुलेट करो, तो F2 की जो वैल्यू होगी 1/F2 की वैल्यू वो आ जाएगी μ 1.7, कितना दिया देखना, 1.7 -1, और ये जो F2 है, अब रे इधर से डाल रहे हो तो ये जो R1 है, R1 होगा और ये R2 होगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ है, तो ये ऐसे कुछ होगा, तो ये रे इधर से आ रही है, तो जो R1 होगा, ये R1 वो निगेटिव होगा, और जो R2 होगा वो आ जाएगा अपना पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 1/R1, 1/R1 की वैल्यू यहाँ से -20, और माइनस एक फार्मूले से +20, ये वाली चीज़, तो यहाँ से 0.7, और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो -2/ यहाँ से 20, तो 2 से 2 यहाँ से ख़त्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया, मतलब आ जाएगा -7/100, ठीक है ना, तो -7/100 ये आ गया। F3 तुम F3 जो है अब कैलकुलेट करके देख सकते हो इतना ही आएगा प्यारे बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और वो फाइनल फोकल लेंथ हमें बता देगा। तो फाइनल जो कैलकुलेशन आएगा उसको अब मैं करता हूँ। तो 1/1/1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F1, मतलब 1/40 प्लस यहाँ से 1/40, ठीक है ना, और माइनस यहाँ से 7/100, तो 1/40, 1/40 मतलब 2/40, 2/40 मतलब 1/20, और माइनस यहाँ से 7/100, ठीक है, तो 7/100 मतलब 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ से -2/ यहाँ से 100 आ जाएगा, मतलब -1/50, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आ जाएगा वह आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, ये वाली चीज़। तो यहाँ से तुम देखोगे जो कॉम्बिनेशन है वो एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जिसकी फोकल लेंथ -50 आ जाएगी, मतलब इन तीनों को जोड़ोगे तो जो सिंगल लेंस बनेगा वो कुछ ये वाला कॉनकेव लेंस बनेगा, इस टाइप का लेंस जनरेट होगा, दिस लेंस विल इज जनरेटेड, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो ये वाला लेंस जनरेट होगा। थैंक यू।